नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्वार झारखंडी पे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक सूप। इसके लिए हमने दो अंडे ले लिए है, सारे सब्जी काट लिए। उसमें प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, मटर है, हरी मिर्च है। कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल गर्म हो चुका है, अब हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को चला के भून लेंगे। सभी चीज़ों का आपको मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। प्याज डालेंगे, प्याज को भी चला के भून लेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे, शिमला मिर्च को भी चला के भून लेंगे। मटर डालेंगे, मटर को भी चला के भून लेंगे अच्छे से। टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी चला के भून लेंगे। अब एक बॉल में दो अंडा को हम फोड़ लेंगे। अब चम्मच से इसको मिला लेंगे अंडे को अच्छे से। नमक डालेंगे हल्का सा, इसको भी चला के मिला लें। नमक को सब्जी में नमक डालेंगे हल्का सा, नमक पहले डाला था इसलिए कम ही डालेंगे। काली मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, उसको भी चला के मिला लेंगे। पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही डालना है आपको, ताकि सब्ज़ी हमारा अच्छे से पक जाए। इसको हम ढक के ही पकाएंगे 5 मिनट के लिए। एक बॉल ले लेंगे, उसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, हल्का सा पानी देंगे, उसको चम्मच से मिला लेंगे अच्छे से। ढक्कन हटा के देखेंगे, जो सब्जी था हमारा अच्छे से पक चुका है और उसमें उबाल आ चुका है। इसमें एक ढक्कन विनेगर डालेंगे, उसको चला के मिला लेंगे। जो हमने अंडा का घोल रेडी किया तो उसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा, और इसको चला चला के मिलाएंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। देख सकते हैं अंडा में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको हम चला के मिला लेंगे। ये हमारा एग सूप बिल्कुल ही रेडी है। आइए अब गर्मा गर्म एग सूप को सर्व करेंगे, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी।